अगर यहाँ से हम लोग मॉडलिंग से निकलते हैं, मॉडलिंग एक मॉडल बन के निकलते हैं, तो मॉडल बन जाके हम लोग ब्रांड शूट्स, उसके बाद रनवे वॉक, फिर उसके बाद जितने भी बड़े बड़े जितने पेजेंट्स हुए हैं, जैसे मिस इंडिया, हाँ मिस द फेस ऑफ पाटलिपुत्रा सोनू सूद जी आ रहे हैं और बिहार में एक कह सकते हैं कि ग्रैंड फिनाले होने वाला है 21 सितंबर 2022 को, और मैम हमें पूरी जानकारी देंगे। ये क्या कुछ हो रहा है मैम? ये बेसिकली एक ब्यूटी पेजेंट है, जिसके जरिए ब्यूटी पेजेंट के जरिए हम लोग बिहार के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे टेक्सटाइल है, हमारा आर्ट है, जो उसको हम लोग एक बहुत इन्हांस कर रहे हैं इस ब्यूटी पेजेंट के थ्रू। हम लोग ये भी दिखा रहे हैं कि भाई खादी भी एक स्टेट बन सकता है ब्यूटी का, हमारा सिल्क भी बन सकता है ब्यूटी का रिप्रेजेंट, एंड हमारे कल्चर्स भी फैशन वर्ल्ड में ग्रो कर सकते हैं। हाँ, सोनू सूद सर यहाँ पे हमारे यंग टैलेंट्स को इनकरेज करने के लिए आ रहे हैं। उनका आना मतलब एक इनकरेजमेंट होगा यहाँ के यंग टैलेंट बच्चों का। ग्रैंड फिनाले हमारे फेस ऑफ पाटलिपुत्रा का सीजन 3 का हो रहा है। इसमें पहले होता है ऑडिशंस, बच्चे आते हैं, हम लोग उनके कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी एबिलिटी को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं, वो ऑडिशंस देते हैं, हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसमें से कुछ फाइनलिस्ट हम लोग चुनते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। 3-4 दिनों का हमारा ट्रेनिंग सेशन भी होगा, जो उसके लिए भी मुंबई से खिजार हुसैन जैसे पर्सनालिटी आ रहे हैं, जो टाइम्स के बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, एक अच्छा नाम है उनका, तो उनसे उनको सीखने के लिए मिलेगा, उनसे ट्रेनिंग करवाएंगे, फिर 21st वाले दिन वो ऑन स्टेज परफॉर्म करेंगे। पार्टिसिपेटेड कौन कौन कर ले? पार्टिसिपेट्स कोई भी यंग ले सकता है, 18+। लेडीज अनमैरिड लड़की, अनमैरिड लड़का 18 से 27 के बीच कोई भी ले सकता है। सर आज से अभी तो ऑनलाइन हमारा रजिस्ट्रेशन चल ही रहा है, बिहार के हर कोने से हमारा रजिस्ट्रेशन आ रहा है, मुजफ्फरपुर से, भागलपुर से, कटिहार से। सर वो हम नहीं डिस्क्लोज कर सकती है। इसका फीस वगैरह भी लेते हैं? है सर, नॉमिनल फीस है, वो वेबसाइट पर सारा आपको डिटेल मिल जाएगा। मेरा नाम विजय लक्ष्मी, ये सौरभ दास, मेरे फेस ऑफ पाटलिपुत्रा सीजन 2 का विनर है, और आज वो इधर तुम भी। ये रुद्र शर्मा, फेस ऑफ पाटलिपुत्रा सीजन 2 का रनर अप। हाँ ये थर्ड है, सेकंड वाला आई नहीं। ठीक है, ये बात कर रहे थे हम अभी ग्रैंड फिनाले से जी। द फेस ऑफ पाटलिपुत्रा की विनर हैं 2018 की, क्या आयशा सिंगानिया। क्या चीज़ यहाँ होता है? यहाँ पे बेसिकली रैंप वॉक होता है, ऑडिशंस में के वक्त में रैंप वॉक, अपना इंट्रोडक्शंस, क्वेश्चन आंसर राउंड, फिर अपना टैलेंट राउंड दिखाया जाता है, बस। बिल्कुल आ रहे हैं। देखिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बिहार में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे इंडिया के रियल हीरो सोनू सूद, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, उनसे मिलने के लिए, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हो सोनू सूद हमारे लिए, बिहार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही बस इसलिए कहूँगी कि हाँ सोनू सूद जल्द से जल्द आए और हम लोग अपना टैलेंट वहाँ पे शो करेंगे। पुत्रा का मेन मकसद क्या है, इसका आप लोगों का करने का क्या मकसद? मेन मकसद ये है कि जो भी यूथ है, जैसे कि कुछ बहुत टैलेंट है बिहार के अंदर, ठीक है, जो को सर्कुलर एक्टिविटीज़ में भी होते हैं, सिर्फ स्टडीज़ में ही नहीं, ठीक है, कुछ लोग को बाहर बनना है, जैसे कि हम लोग को देख के लोग सोचते हैं कि हमें मॉडल बनना है, चाहे हमें एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, जो भी बनना है, ठीक है, तो बट वो लोग आगे बढ़ के नहीं आ पाते हैं, उनको कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता है जिससे वो आगे आए, ठीक है। आगे आने के बाद क्या क्या और क्या क्या करेंगे? जैसे आगे बिहार के लिए देखिए, अगर वो विनर जो भी है जिसने यहाँ पे पार्टिसिपेट होने के बाद, सबसे पहले उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो किसी भी जगह जाके कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं। जैसे कि अगर यहाँ से हम लोग मॉडलिंग से निकलते हैं, मॉडलिंग एक मॉडल बन के निकलते हैं, तो मॉडल बन जाके हम लोग ब्रांड शूट्स, उसके बाद रनवे वॉक, फिर उसके बाद जितने भी बड़े बड़े जितने पेजेंट्स हुए हैं, जैसे मिस इंडिया, हाँ मिस बिल्कुल मिल सकती है फिल्म इंडस्ट्रीज में, क्योंकि आयशा सिंगानिया, मैं अभी मॉडलिंग ही कर रही हूँ, और साथ में मेरी अपना वर्क्स चल रहा है, जैसे कि एड शूट्स हो गया, प्रोफेशनल शूट्स हो गया, रनवे हो गया, ज़्यादातर मैं अपने एड शूट्स ही लेती हूँ। द फेस ऑफ पाटलिपुत्रा के ये विनर हैं 2018 के, ये तमाम बातें बता रहे थे, और भी बातें मैं करता रहूँगा, अभी सोनू सूद के आने की चर्चा है, उसी को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी यहाँ पर रखा गया था जानकारी के लिए। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।